लीजेंड वर्जन 2.10 दोस्तों हमारे पास में एक नया अनऑफिशियल रोम है पोको एफोन के लिए जो कि लीजेंड ओ और जो आपको मिलता है कर्नल सिल्वर कोर्स सिक्स के ऊपर में दोस्तों ये रोम जो सो डिसेंट है एक डे टू डे पर डे यूज के लिए जनरल यूज के लिए बट अगर गेमिंग और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर में मुझे कुछ इशू आए हैं वो भी मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ बेसिकली दोस्तों इसके अंदर में आपको हम स्टार्ट करते हैं यू आई से तो यहाँ पर आपको जो लॉन्चर मिलता है वो है यहाँ पे दोस्तों आप लॉन्चर देख सकते हैं और इसके अंदर में आपको बहुत सारे बंच ऑफ ट्स एंड ट्रिक्स मिल जाते हैं तो इसको लेकर के आपको कोई इशू नहीं आएगा लॉन्चर को यू के अंदर में कोई ज्यादा खास यू नहीं है दोस्तों एज यूजल जो एस पे बेस्ड होता है थोड़ा बहुत आपको एनिमेशन के साथ में यहाँ पे यू मिलता है जिसमें आप जब भी कोई चीज मीन ऊपर करते हैं तो हल्का सा स्लाइटली एनिमेशन वे में वो डाउन होता है तो काफी अच्छा लगता है कोई इशू नहीं है यू को लेकर के और ना ही दोस्तों इसमें अंदर में आपको डुअल जो है डुअल स्टेटस बार वो भी नहीं मिलता है हाँ यहाँ पे एक चीज है जो क्विक टॉगल्स के अंदर में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों वो जब आप डाउन करेंगे तो आपको यहां डाउन है। है? दोबारा से करना होगा इसका टॉगल्स के बारे में अगर बात करते तो यहां पर सभी के सभी क्विक टॉगल्स मिल जाते हैं जितने भी यूज के बहुत ज्यादा क्विक टॉगल्स नहीं है लेकिन हाँ यूजेबल जितने भी क्विक टॉगल्स है वो सभी आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे आपको कोई इशू नहीं आने वाला यहाँ पे आपको जैसे कि डेटा के लिए हो गया डॉबी स्मार्ट का आपको डायरेक्टली सपोर्ट मिल जाता है रिबोट के लिए हो गया स्क्रीन रिकॉर्डिंग का हो गया और नियर शेयर अगर आप इसको गूगल को अपने अपडेट कर लेते हैं ठीक है दोस्तों अगर मैं यहीं पे बात करता हूं गीक बेंच का तो यहां पे गीक बेंच के ऊपर में जो बेंच मिलता है दोस्तों वहां पे सिंगल कोर का स्कोर मुझे थोड़ा सा यहां पे कम लगा है जो कि मैं आपको हिस्ट्री में दिखाता हूं तीन अगस्त आज का ही है देख लीजिए सिंगल कोर का जो स्कोर है दोस्तों वो है फोर थ्री सिक्स एंड मल्टी कोर का स्कोर आप देख लीजिए टू वन एट जीरो मल्टी कोर का स्कोर तो ठीक है डिसेंट है बट सिंगल कोर का स्कोर मुझे थोड़ा सा कम लगा है और दोस्तों ये जो स्कोर है गेमिंग प्रोफाइल के ऊपर में मैंने निकाला तो आपको यहां पर देखना होगा कि ठीक ठाक सा स्कोर मिलता है कोई बहुत ज्यादा तगड़ा स्कोर नहीं है यहाँ पे ठीक है अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके अंदर में आपको जो गेमिंग एंड बैटरी को लेकर के तो सबसे पहले अगर मैं आपको बैटरी की बात करता हूं तो दोस्तों यहां पे आपको बैटरी देखेंगे तो बैटरी जैसे मुझे काफी अच्छा खासा डिसेंट अमेंना I mean, चार घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है जो मैं आपको थर्टी परसेंट पे जाने के बाद में मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया है वो भी मैं आपको साथ में शेयर कर रहा हूँ अभी मैंने फ़ोन को चार्ज किया था बेसिकली यहाँ पे मुझे गेम प्ले करना था तो मैंने पब्जी वगैरह अभी गेम प्ले करने के लिए मैंने इसे चार्ज किया था फुल देन उसके बाद मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन कर सकता हूँ शेयर कर रहा हूँ वो देख लीजिए गेम प्ले के मामले में दोस्तों एक इशू जो मुझे लगा है वो मैं आपको बता देता हूँ जब आप गेम प्ले करते हैं तो वहाँ पे आपको इसको क्या होता है कि स्क्रीन फ्लिकर होता है जो कि आप अभी यहाँ पे देख लीजिए PUBG गेमिंग तो दोस्तों अभी हमारे पास में यहाँ पे है पबजी और आप देखेंगे बेसिकली मैंने इससे पहले भी गेम प्ले किया है बट वहाँ पे दोस्तों मुझे सो कुछ इशू आ रहे थे जो कि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेता हूँ पहले तो बेसिकली uh, जब भी हम गेम प्ले ओपन करते हैं और उसके बाद में अगर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूँ जो कि हमें वन प्लस वाला स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसके अंदर में दिया गया है तो हमें जो फ्लिक्रिंग देखने को मिलता है तो दोस्तों ये मुझे थोड़ा सा एनॉइंग लगा था इसमें तो इस वजह से मैं सोचा चलो पहले आपको बता ही देता हूँ तो यहाँ पर अभी स्टिल आप देखने कोई चीज़ दिक्कत नहीं हो रहा है कोई इशू नहीं है एंड मैं इसको जो सो अभी सभी चीज़ों को मैं बंद कर दे रहा हूँ या डन तो अभी हम आते हैं यहाँ पे और बेसिकली हमने अपना यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमने यहाँ लाया ठीक है तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे आपको एक छोटा सा गेम प्ले दिखाते हैं बेसिकली मैंने ये नया वाला कोई था टी के अंदर वो मैं ट्राई कर रहा था तो वो मैं देख रहा था कि कैसा है कैसा नहीं सो so, अभी हम एक छोटा सा मैच खेलने वाले हैं टी और यहाँ पर हम स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं ठीक है तो स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है हमारी सिक्सटी एफ में एंड हमने इसको जैसे प्रोफाइल भी दे रखा है गेमिंग वाला प्रोफाइल तो हमारा टी हो गया है सेट एंड गेम मोड भी है एंड देखते हैं लेट्स क्योंकि इससे पहले जब मैंने गेम ओपन किया ही था स्टार्टिंग हुआ था कुछ देर के बाद में हमें फ्लिकरिंग देखने को मिल गया और वो ऐसे ऐसे फ़्लिकर हो रहा था ब्लैक और मेरा स्क्रीन ब्लैक होकर के फिर वो जो सो बंद होने लग गया था ठीक है तो ऐसा इशू मुझे लगा था सो अभी यप। तो दोस्तों देखो बहुत ज़्यादा हमें ना स्मूथ तो नहीं कह सकते जब भी हम स्क्रीन रिकॉर्ड करते तो स्मूथनेस तो चली जाती है जो कि मुझे हमेशा ही देखने को मिलता है बट स्टिल मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्लेबल है पहले के अकॉर्डिंग सो ओके तो अभी के मामले में दोस्तों तो अभी तक तो फ़िलहाल के लिए मुझे कोई ऐसा दिक्कत नहीं लग रहा है जटर नहीं लग रहा है ये 60 एफ तो है ओके okay. कोई ऐसा सचज इशू नहीं दिख रहा है तो फ्लिकरिंग वगैरह अभी तो फ़िलहाल नहीं स्टार्ट हुआ है तो देखते हैं सो हल्का सा मुझे टच uh, इशू अब जो है सो हल्का सा जटर लग रहा है देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास में जो फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं कुछ कुछ देखो ओके okay. सो so, जैसे हमारा यहाँ पे हुआ है थोड़ा सा हीटअप तो स्क्रीन होगी पूरी की पूरी ब्लैक जो कि मुझे बहुत ही अनोईंग लगता है ये देखिए सो so, मैं इसी फ्लिकरिंग की बात कर रहा था What happened? एंड नाउ अभी जो सो हमें इसको रिबूट करना होगा देन उसके बाद में ये सही हो पाता है ठीक है तो ऐसा मुझे यहाँ पे सच ईशू लगा है तो ये जो सो स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद होता है दोस्तों तो, तो जैसे हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर बंद किया तो थोड़ा बहुत तो ये यूजेबल जैसा हुआ है बट स्टिल दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को लेकर के कुछ इशू है Uh, मैं यही बोलूँगा कि इशू ही है अभी फ़िलहाल के लिए तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर में हो रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लिकरिंग फ्लिकरिंग ऐसे करके आ रहा है एंड अभी शायद नहीं अभी भी ठीक नहीं, नहीं हुआ है करेक्ट नहीं हुआ है सो इसको जो सो हम एक बार रिबूट कर ले रहे हैं दोबारा से तो मैंने इसे पिछली दफ़ा भी यही किया था सेम चीज़ एंड मुझे एक चीज़ और भी देखने को मिल रहा है यहाँ से सा ना साइड से स्क्रीन अजीब सा हो रहा है यार आई थॉट ये जैसो हमारे फ़ोन को भी ख़राब कर सकता है फटाफट इसको हम रिबूट ही कर ले रहे हैं तो दोस्तों देखो गेमिंग के मोड पे मुझे एक यही इशू लगा इस रोम के अंदर में बट स्टिल एज़ यूजल यूजिंग के लिए दोस्तों ये रोम बहुत ही अच्छा लगा मतलब डे टू डे यूज़ में मुझे कोई इशू नहीं लगा बहुत ही अच्छे से मजे से यूज़ होता है और ए कैमरा वगैरह सभी चीज़ें तो अब ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि इसको आप झेल सकते हो या फिर नहीं इट्स ऑन यू ऑथेंटिकेशन की अगर बात करता हूँ दोस्तों इस रोम के अंदर आपको ऑथेंटिकेशन के लिए बस फिंगरप्रिंट मिल जाता है यहाँ पे आपको फेस अनलॉक नहीं दिया गया बट फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट है आपको कोई इशू नहीं आएगा आप देख सकते हैं वन टू एंड थ्री में हमारे फिंगर फिंगरप्रिंट से काफी अच्छे से अनलॉक हो जा रहा है वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों सिक्योरिटी को लेकर के आप देख सकते हैं सभी चीज़ें ग्रीन है आपको कोई इशू नहीं है इसके अंदर में भी और दोस्तों अगर सिटीज प्रोफाइल की बात है तो यहाँ पर आपको सिटीज प्रोफाइल भी ट्रू मिल जाता है बेसिकली आपको जो मैजेस को हाइड करना होगा और मैजेस के ऐप को भी हाइड करना होगा वैसे नहीं हाइड करने पर भी आपको ट्रू तो हो जाता है बट दोस्तों वो आपको इशू दे सकता है गेमिंग के टाइम पर तो मैं आपको पहले बता देता हूँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों में इन्फो का तो डीआरएम इनफो पर आपको वाइड वन एल वन का सपोर्ट यहां पे मिल जाता आप देख सकते हैं यहां पे एल वन का सपोर्ट है मतलब एच डी कंटेंट डायरेक्टली देख सकते हैं किसी भी वीडियो प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट कैमरे की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो इस रोम को जब भी आप दोस्तों इस रोम को जैसे आप फ्लैश करेंगे तो आपको जो सो गूगल कैमरा गो का सपोर्ट मिलेगा डायरेक्ट बट ये भी एक डिसेंट सा कैमरा है आपको एज ए जनरल यूज के लिए बट दोस्तों अगर आप इसमें मैजिस् मॉड्यूल से यूज कर लेते जैसे कि मैंने मैजिक्स मॉड्यूल से यूज किया हुआ एन एक्स कैमरा आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे हमारे पास में मैजिक का जो मॉड्यूल है ये आप देख सकते हैं एन कैमरा जो कि लेटेस्ट वन है उसके अंदर आपको इसो एन कैमरा मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा खासा है बट इसके अंदर में आपको थोड़ा सा भी पोर्ट्रेट को लेकर के इस है बाकी सभी चीज़ें जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया प्रो मोड के अंदर में आपको जो रॉ का सपोर्ट मिल जाता है आप देख सकते हैं रॉ का सपोर्ट हो गया एंड इसको और मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है एक और बनाने वाला हूं जो कि आपको किस तरीके से यहाँ पे और भी करना है। दोस्तों, इसके में आपको और भी चीजें मिल जाती है जैसे कि हमारे पास में फ्रंट एंड बैक का भी ऑप्शन है देख लीजिए पे फ्रंट एंड बैक के अंदर में क्या होता है कि आपको दो कैमरा एक साथ में चल जाता है जैसे कि हो गया, फ्रंट एंड ये हो गया बैक कैमरा इसको हम फुल कर सकते हैं फ्रंट को छोटा भी कर सकते हैं और आप चाहे तो इसको जो हम फ्रंट वाले को भी बड़ा कर सकते हैं और फिर बैक वाले को भी छोटा कर सकते हैं ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं इसके अलावा दोस्तों और भी फीचर्स है जैसे कि हमारे पास में क्लोन मोड हो गया और स्लो मोशन हो गया व्लॉग मोड हो गया इसके में दोस्तों स्टीकर और तार अभी फिलहाल के लिए यूज नहीं हो रहा है मतलब कि क्रैश कर जा रहा है और बाकी जैसे ब्लॉग मोड हो गया तो मोड भी काफी से वर्क कर रहा है है दोस्तों इसके बारे में में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो वीडियो बना रखा एनएक्स कैमरा के ऊपर तो आप जरूर से वो वीडियो भी देख लीजिए काफी अच्छा है कैमरे के मामले में रोम के अंदर मैंने काफी सारे इमेजेज और जो वीडियो वगैरह लिए है कल तो वो मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी बढ़िया से यहाँ पे इमेजेस आते हैं तो ये रोम जो मुझे डे टू डे लाइफ के लिए यूज के लिए बहुत ही अच्छा लगा बट वहीं गेमिंग के पर्पज से मुझे थोड़ा सा इसके अंदर में इशू लगा है तो जो एक यूजर डिपेंडेंट है कि अगर आपको गेमिंग ही करना है तो आप ना यूज करें अगर आपको गेमिंग नहीं करना है तो आप जरूर से यूज करें रोम ट्विक्स एंड ट्रिक्स दोस्तों यहाँ पे आपको इस रोम के अंदर आपको बहुत सारे ट्विक्स एंड ट्रिक्स में मिल जाते जैसे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लीजेंड सेटिंग नाम से आपको मिलता है जिसके अंदर आपको जो क्विक सेटिंग हो गया स्टेटस बार हो गया लॉक स्क्रीन गेस्टर्स थीमिंग नोटिफिकेशन सभी के सभी मिल जाते हैं जिसके अंदर आप क्विक सेटिंग में क्विक सेटिंग टॉगल्स को आप सभी के मीन अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं स्टेटस बार में आप जितने भी आइकन्स वगैरह वो सभी आप कस्टमाइज कर सकते हैं लॉक स्क्रीन में लॉक स्क्रीन का जो सब आप यू आई वगैरह थोड़ा बहुत जो है कस्टमाइज कर सकते हो वैसे लॉक स्क्रीन में ज्यादा कुछ कस्टमाइजेशन के लिए होता नहीं है गेस्टर्स के अंदर में दोस्तों आपको स्वाइप स्वाफ्ट स्क्रीनशॉट मिल जाता है जो कि आपको लॉन्ग वाला स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए यहां पे जैसे कभी कभी काम नहीं करता है। मैं पहले भी बता आप देख सकते यहां पे लॉन्ग स्क्रीनशॉट वाला अगर आप यहां पर रहेंगे तो आपको जो एक आ सकता है वो है कि आपको जो कुछ कुछ चीजें पूरी पूरी व्हाइट हो जाती है यहाँ पे जब नोटिफिकेशन आता तो कुछ कुछ जो व्हाइट हो जाता है वो मुझे इशू लगा था इसके अंदर ठीक है इसका दोस्तों बटन अगर आप यूज करते जरूर से आप इसे ट्राई कीजिए पावर मिनो दोस्तों पावर मिनो एडवांस थ्री स्टार्ट और वगैरह वगैरह सभी चीज़ें मिल जाता है फ्लैश लाइट स्क्रीन ऑन द गो वगैरह सब चीज़ें हैं एनिमेशन के मामले में बात करो दोस्तों तो मैं एनिमेशन को कभी भी नहीं छेड़ा वैसे तो मुझे जो एकदम डिफॉल्ट एनिमेशन काफ़ी अच्छा लगता है हालांकि अगर आपको जो एनिमेशन चेंज करना है इधर उधर वेव वगैरह वगैरह लगाना है तो आप जोर से जो इसे एक बार ट्राई कीजिए काफी अच्छा रहेगा एडिशनल सेटिंग के अंदर में दोस्तों आपको जैसे यहाँ पर मिल जाता है ऑटो ऑटोनेबल बैटरी सेवर मोड हो गया सेंसर ब्लॉक हो गया फेनेटिक मोड हो गया जो कि फेनेटिक मोड एक तरीके से गेम मोड आप बोल लीजिए जो कि गेम मोड किसी और रो में गेम मोड होता है यहाँ पे फेनेटिक मोड है ऑडियो पैनल के अंदर में दोस्तों आपको बहुत सारे हैं अगर आप चाहे तो एक साथ में और भी पैनल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो ये सभी पैनल्स मेरे साथ में एक साथ एक्टिवेट हो गया और ये देखिए बंच ऑफ मेरे पास में वॉल्यूम के लिए स्लाइड आ गए हैं देख सकते हैं आप यहाँ पे ओके <laughs> सो okay, so इतना ज़्यादा वॉल्यूम स्लाइड कौन रखता है आई डोंट नो बट स्टिल रखने वाले रखते हैं और ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है ओके okay, तो दोस्तों ये सारे फ़ीचर्स आपको यहाँ पर कस्टमाइज़ करने के लिए मिल जाता है इस रोम के अंदर में दोस्तों मैं अपने ओपिनियन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये रोम जो है बेसिकली जनरल पर्पस के लिए मैं आपको बहुत ही अच्छे से सजेस्ट करूँगा अगर आप जनरल यूजर है और जनरली आप इसे यूज करना चाहते हो दोस्तों जरूर से इसे यूज कीजिए हालांकि अगर आप गेमर है और गेमिंग के पर्पस से रोम ढूंढ रहे तो दोस्तों ये गेम ये रोम जो है आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है ओके तो आप मेरे बात समझ गए कि मैं किस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर गेमिंग के टाइम पर बहुत सारे आपको इशूज आ सकते हैं फिलहाल इनिशियल बिल्ड के अंदर में ओके तो आगे के बिल्ड में हम देखेंगे जबकि आने वाला होगा ओके तो दोस्तों आशा करता है वीडियो आपको पसंद है वीडियो वीडियो करिए लाइक शेयर कमेंट जी हाँ और अगर आपने देख मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो दोस्तों चैनल को लिए सब्सक्राइब मैं रोज ना आपके इस तरह से नए-नए वीडियो लेके आता हूँ तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एंड वन डे मातरम